نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الحاضرين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं और बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हों अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पर और आपके आलो असहाब पर और आपके मुत्तबईन पर। गुज़िश्ता कई जुमा पहले फ़ज़ाइल सहाबा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू चल रही थी और खुलफ़ाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा इख्तसार के साथ हो चुका है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र जमील भी बहुत ही मुख्तसर हुआ था, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन की हालात ज़िंदगी और उनके ज़माने खिलाफत के वाक़ियात और हालात बयान किए जाए। जो हदीस मैंने पढ़ी है सही तिर्मिज़ी इस तिर्मिज़ी से, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ है जो आपने दो लोगों के बारे में फ़रमाई थी कि अल्लाह तो इन दो लोगों के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा जिनसे तू मोहब्बत करता है, उनमें से एक वो जो अबू जहल है और एक उमर बिन ख़त्ताब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फ़रमाई और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये नेमत, ये सआदत अबू जहल के हिस्से में नहीं आई बल्कि वो बद्र के मैदान में मुसलमानों के हाथों कत्ल किया गया और जहन्नम रसीद हुआ। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल कर लेने के बाद में मुसलमानों ने बड़ी राहत महसूस की और काबतुल्ला में आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े फ़ज़ाइल हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं और उनका 10 साल दौर खिलाफत इस्लाम का एक सुनहरी दौर है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबजादे हैं मुहम्मद बिन हनफिया। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद जो दूसरे निकाह किए हैं उन्हीं में से खातून से ये साहबजादे पैदा हुए जिनका नाम है मुहम्मद बिन हनफिया। वो फरमाते हैं, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि काल अकुलतु लियबी, कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सवाल किया यानी हज़रत अली से, मैंने अपने वालिद से यानी हज़रत अली से सवाल किया, अय्युन्नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन
सबसे बेहतर इंसान है। तो काला अबू बकर, मेरे वालिद ने फरमाया अबू बकर, कुल तो सुम्मा मन, मैंने फिर पूछा कि फिर कौन है, उनके बाद किसका मकाम है। काला सुम्मा उमर, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उनके बाद उमर रदी अल्लाह तआला का मकाम है। व खशीत अन यकूल उस्मान, कुल तो सुम्मा अंता, मुझे ये डर महसूस हुआ कि कहीं अब सवाल करूं तो ये हज़रत उस्मान का नाम ले दें, तो उन्होंने सीधा सवाल कर लिया कि क्या फिर आपका मकाम है, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद फिर आपका मकाम है। काला, हज़रत अली ने फरमाया, मा अना इल्ला रजुल मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक आम आदमी हूँ। ये इनकसारी और आजिज़ी का आलम था उस शख्सियत का जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें उनके फ़ज़ाइल में, उनके मनाकिब में और उनके मकाम के सिलसिले में मौजूद है, और जिन्हें जन्नत की बशारत उनकी ज़िंदगी में दे दी गई। वो फरमाते हैं कि मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूँ। यह हदीस सही बुखारी में है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का रोब वो इस क़दर था कि ख़वातीन भी उनका बड़ा लिहाज करती थीं। और सही बुखारी ही की एक रिवायत में है कि शैतान जिस रास्ते से चलता था, अगर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस रास्ते पर होते थे तो रास्ता तब्दील कर देता था। उसकी इतनी हिम्मत और जुरत नहीं होती कि वो उस रास्ते पर चला जाए जिस रास्ते पर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु चले जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ ख़वातीन बैठी थीं, उनकी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो रही थी। जब उन औरतों की आवाज़ सुनी तो जल्दी से, जब उन औरतों ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के आने की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपने आप को पर्दे में कर लिया, हिजाब में चली गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को हाज़री की इजाज़त दी। वो हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आपको इस तरह खुशो खुर्रम मैंने पहले नहीं देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इन औरतों पर ताज्जुब है जो अभी मेरे पास बैठी थीं, जब उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो पर्दे में चली गई। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि आपसे डरा जाए। फिर वो औरतों से मुखातब हुए और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना नहीं डरी जितना मेरे आने के बाद मेरा खौफ तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, इसकी वजह क्या है। तो औरतों ने जवाब दिया कि आप बहुत सख्त गुस्से वाले आदमी हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि उमर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जिस रास्ते पर चलते हो उस रास्ते पर शैतान भी नहीं चलता, यानी वो उस रास्ते से गुज़रता ही नहीं है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने का बड़ा शौक़ था। उनका मकान मस्जिद नबी से कई किलोमीटर के फासले पर था, जिसको अवालिय मदीना कहते हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मामूल बनाया था कि अपने एक पड़ोसी को तैयार किया कि एक दिन तुम जाओगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में और वहाँ से जो कुछ इल्म दिया जाएगा उसे हासिल करोगे, फिर आकर मुझे बताओगे, और एक दिन मैं जाऊँगा और मैं इल्म हासिल करूँगा, वो आकर तुम्हें बताऊँगा। ये वाक़या जो है हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इसमें हम सब के लिए सबक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम से दीन सीखना और उसके लिए जस्तजू करना और अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से उसके लिए वक्त निकालना कि अपने पड़ोसी को तैयार किया कि एक दिन तुम जाओगे, एक दिन मैं जाऊँगा, मैं जो कुछ सीख कर आऊँगा वो तुम्हें बताऊँगा और जो कुछ तुम सीख कर आओगे वो मुझे बता देना। आज हमारे पास भी कितना वक्त होता है और उस हम फारिग वक्त को कहाँ खर्च करते हैं। आम तौर पर कभी सैर व तफरी में होता है खर्च, कभी दोस्तों के साथ खर्च होता है, कभी कहीं और, कभी कहीं और, आप अच्छी तरह इसको जानते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोग, मैं समझता हूँ कि 99% लोग ऐसे हैं जो अपनी फुर्सत के वक्त को सही काम में नहीं लगाते। हमारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दीन की अच्छी वाकफियत नहीं होती है, जिन्हें कुरान करीम भी सही से पढ़ना नहीं आता है, जिनको नमाज की दुआएं भी सही तौर पर याद नहीं हैं, याद हैं तो उनके तलफ़ुज़ ठीक नहीं हैं। ऐसे हजरात ये कोशिश नहीं करते कि हम हफ्ते में एक दिन मस्जिद में इमाम साहब के साथ बैठकर अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर लें, नमाज की दुआओं को ठीक कर लें, अपने कुरान को दुरुस्त कर लें, अपने मखारिज दुरुस्त कर लें, नमाज रोज़े के कुछ मसाइल सीख लें, माँ बाप की के हुकूक़ के बारे में मालूमात हासिल कर लें, ये शौक़ नहीं है। और हमने तजर्बा भी किया, मैं इसका कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ, अपनी इसी मस्जिद में इसका अहतमाम किया गया, लोग नहीं आए, इमाम साहब खाली बैठे हैं, कोई नहीं आता, फ्री में भी, कोई उसकी फ़ीस नहीं थी, फ्री था बिल्कुल, लेकिन लोगों में शौक़ नहीं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को जो मकाम मिला है, जो उनका उनकी फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुर्बत उनको हासिल हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें उनको दी हैं वो ऐसे नहीं हैं। उन्होंने अपना वक्त भी दीन के लिए लगाया, अपना माल भी खर्च किया, अपनी सलाहियतों को खर्च किया और इसी के साथ जब ज़रूरत पड़ी तो अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। तो इन कुर्बानियों के नतीजे में सहाबे कराम को वो मकाम मिला। लेकिन आज हम इन हालात से दो चार हैं, इन हालात में भी हम दीन सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, दीनी मालूमात हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो दौर जो खिलाफत से पहला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजरा, कदीमुल इस्लाम हैं, यानी इब्तदाई दौर ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। उस वक्त तक सिर्फ 39 लोग मुसलमान हुए थे, 40 में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। 2 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत है। जब वो बीमार हुए और ये यकीन हो चला उनको कि अब मौत का वक्त करीब है, तो उन्होंने सहाबा इकराम को जमा किया और उनसे कहा, तुम लोग मेरी हालत को देख रहे हो, अब दुनिया से जाने का यकीन हो गया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी बैत से आज़ाद कर दिया है और ये मामला अब फिर तुम्हारी तरफ चला गया है, तुम जिसे चाहो अपना खलीफा मुकर्रर कर लो, तुम मेरी ज़िंदगी में अगर ऐसा कर लोगे तो ये बेहतर होगा, इस तरह तुम मेरे बाद इख्तलाफ और इंतशार से बच जाओगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा को जमा करके और उनके सामने गुफ्तगू की। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आपस में मशवरा किया और मशवरे के बाद वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज़ किया कि इसका फ़ैसला आप ही फरमा दें, हम सब लोग आप ही को इख्तियार देते हैं।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान और दीगर सहाबे कराम से मुशावरत की और उसके बाद एक तहरीर लिखी। तहरीर ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो तहरीर है जिसे अबू बकर ने इस दुनिया से जाते और आखरत की सरहद में कदम रखते वक्त तहरीर किया है। ये ऐसा वक्त होता है कि काफिर ईमान लाने और फाजिर यकीन करने और झूठा सच बोलने के लिए तैयार हो जाता है। जब मौत का वक्त करीब होता है तो ये सूरत हाल होती है। मैंने अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस दीन हनीफ़ और अपने फ़राइज़ और अपनी जान के बारे में हर किस्म की कोताही से इज्तनाब किया है, ताकत भर कोशिश की है। मैंने उमर को खलीफा नामज़द कर दिया है, अगर वो अदल करें तो उनके बारे में मेरा ऐसा ही गुमान है, वरना हर आदमी के लिए वही कुछ है जो उसने किया है। मुझे यकीन है कि मैंने उसका तकर्रुर खैर की नीयत से किया, यानी हज़रत उमर को जो नॉमिनेट किया है वो खैर और भलाई की नीयत से किया है। हाँ, मुझे गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। तहरीर का आखिरी जुमला है कि मैंने जो कुछ किया है नेक नियति के साथ किया है, भलाई और खैर के इरादे से किया है, लेकिन गैब का इल्म मैं नहीं जानता। आज हमारे मुसलमानों में कितने ही लोग हैं जो कब्रों में लेटे हुए मुर्दों को आलिमुल गैब मानते हैं कि हम हज़रत के आस्ताने पर गए और हज़रत ने हमारा सारा हाल मालूम कर लिया। वो ये अकीदा रखते हैं कि ये अस्हाबुल कुबूर कब्र में लेटे हुए लोग ज़िंदा हैं और हमारे हालात से वाकिफ़ हैं। ये एक बातिल अकीदा है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यही इस्लाम है और यही सही अकीदा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत की ज़िम्मेदारी संभाली, खिलाफत का चार्ज लिया और सबसे पहला खुतबा इरशाद फरमाया। क्या खुतबा है? ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के बाद मुझे तुम्हारे और तुम्हारे साथ तुम्हें मेरे साथ आजमाइश में डाल दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के बाद तुम्हें मेरे साथ और मुझे तुम्हारे साथ आजमाइश में डाल दिया है। अल्लाह की कसम, तुम्हारे मामलात का मैं ख़ुद फ़ैसला करूँगा। अगर कोई फ़ैसले के वक्त हाजिर ना हुआ तो हकदार को उसका हक पहुंचा दूंगा। अल्लाह की कसम, लोग अगर मुझे अच्छे चाल चलन से चलेंगे तो मैं भी उनसे अच्छा सलूक करूंगा, अगर बुरे रास्ते पर चलेंगे तो मैं उन्हें सख्त सज़ा दूंगा। ये वो खुतबा है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने खिलाफत संभालने के बाद मुसलमानों के मजमे में इरशाद फरमाया। जो लोग खुतबे के वक्त वहाँ मौजूद थे वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमेशा इस खुतबे बयान करदा निकात पर अमल करते रहे, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माने खिलाफत ये तकरीबन 10 साल का है और 10 साल के अरसे में बड़ी फतूहात हुई हैं। इराक, शाम, लुबनान, फिलस्तीन, फारस, खुरासान, अलजज़ीरा, तबरिस्तान, आर्मीनिया, आदरबाईजान, किरमान, सीस्तान, मकरान, मिस्र, त्राबलुस फतह होते चले गए और खिलाफत इस्लामिया कमोबेश 11 लाख मुरब्बा पर फैली, यानी 11 लाख मुरब्बा पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में खिलाफत में तौसी हुई और ये सारे इलाके इस्लामी खिलाफत में दाखिल हो गए। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, बैतुल मुक़द्दस के उस्कुफ़
सोरोनियोस के कहने पर ये वहाँ का सबसे बड़ा पादरी था। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से यरूशलम गए। उसने कहा था कि अगर तुम्हारे खलीफा यहाँ आ जाएंगे तो हम उनके हवाले कर देंगे, यहाँ के तमाम मामलात, यहाँ का इलाका पूरा उनके हवाले कर देंगे। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना से यरूशलम का सफ़र किया और उस्कफ़ के साथ सुलह की शराइत तय की और बैतुल मुक़द्दस इस्लामी खिलाफत में शामिल हो गया। हज़रत उमर की ज़माने खिलाफत में जो अजीम कारनामे उन्होंने अंजाम दिए उनका ज़िक्र भी आपके लिए दिलचस्पी से कम न होगा। सन हिजरी का आगाज़ हज़रत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ, फिर तमाम सरकारी काम सन हिजरी के एतबार से अंजाम पाने लगे। मदीना मुनव्वरा में बैतुल माल की इमारत की तामीर कराई और तमाम सूबों में बैतुल माल के दफातर तामीर कराए और बाकायदा महकमा माल कायम किया। इस्लामी हुकूमत को, इस्लामी ममलिकत को 8 सूबों में तकसीम किया, मर्दुम शुमारी कराई और ज़मीन की पैमाइश का निज़ाम कायम किया। फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं, फ़ौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की, दुश्मनों के मुकाबले के लिए आला नस्ल के घोड़ों को ख़रीदा और उनको तैयार किया, उनके लिए बाड़े बनवाए, नए शहर कायम किए, बहुत सी नहरें खुदवाईं, गैर मुल्की ताजरों को इस्लामी ममलिकत में आने की इजाज़त दी। ये जितने काम हैं ये हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में उनके हाथों हुए और तिजारत की लाइन में भी उन्होंने गैर मुल्की ताजरों को इस्लामी ममलिकत में दाखिले की इजाज़त दी ताकि वो भी वहाँ का तिजारत करें और मुसलमानों के तिजारती मामलात आगे बढ़ें, उनको तरक्की मिले। मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा जेल खाने बनवाए, पुलिस का महकमा कायम किया और अदलिया को पुलिस से अलग किया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा हैं, पहले हुक्मरान हैं जो रातों को जागकर खुद गश्त लगाकर अपनी रियाया के हालात बराहे रास्त मालूम करते थे। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए और उनकी राहत के लिए जगह जगह पुलिस चौकियां बनवाईं, सराय और मेहमान खाने बनवाए, मुफलिस माजूर और बूढ़े ईसाइयों और यहूदियों के लिए वजीफे मुकर्रर किए। अल्लाहु अकबर, यह है मुसलमानों का किरदार, यह है इस्लाम की तालीम कि उनकी हुकूमत में जो माजूर और बूढ़े लोग थे, ईसाई थे और यहूदी थे, उनको बैतुल माल से ख़र्चा देते थे, उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया। इस्लाम निहत्ते लोगों पर हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम औरतों पर हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम बच्चों को मारने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम मरीज़ों को मारने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम खेतियों को, बागात को उजाड़ने की इजाज़त नहीं देता। ये है इस्लाम और ये है मुसलमानों का तारीख़ी किरदार जिसे आज के बेहुदा और बेवकूफ़ और जाहिल तरीन लोग कहते हैं कि ये दहशतगर्दी की तालीम देते हैं, ये टेररिस्ट हैं। तो न मुसलमान टेररिस्ट हैं और न इस्लाम टेररिज्म की तालीम देता है। इस्लाम अमन व सलामती का दीन है और मुसलमान भी दीन पर अमल करते हुए अमन व सलामती की राह पर चलते हैं और अमन व सलामती की तरफ ही लोगों को दावत देते हैं। शहर शहर कुरान मजीद की तालीम के लिए मकातिब और मदारिस का क़याम किया और मुअल्लिमीन की तनख्वाहों का इंतज़ाम किया, मसाजिद में सरकारी तौर पर रोशनी का इंतज़ाम किया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पहले हज़रत अबू बकर खलीफा थे, उनको मुसलमान खलीफ़ा रसूल कहते थे या अरबी ज़बान में खलीफ़त रसूलिल्लाह कहते थे। अब जब हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा हुए तो उनको खलीफ़त रसूलिल्लाह लोगों ने कहना शुरू किया।
तो सहाबे कराम में आपस में गुफ्तगू हुई कि आगे और भी खुलफा आएंगे तो ये लक़ब तो बड़ा लंबा हो जाएगा, बेहतर होगा कि हम सब मोमिनीन हैं और उमर हमारे अमीर हैं, तो खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा जाए। तो ये अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शुरू हुआ है कि खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी बड़ी सादगी ज़िंदगी थी, कई कई पेवंद उनके कपड़ों में लगे होते थे और दीनी मामलात में बड़ा तवस्सो था, यानी अगर कोई दीन के मामलात में उनसे आकर गुफ्तगू करता था तो बात दलील और उसके मुताबिक और सही होती थी तो कबूल करते थे। एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबे में औरतों को खिताब करके फरमाया कि ज़्यादा मेहर मुकर्रर ना किया करो, 40 औकैया से ज़्यादा मेहर कोई खातून मुकर्रर ना करे। एक बूढ़ी औरत नमाज जुमा में मौजूद थी, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ये पाबंदी कैसे लगा सकते हैं जबकि अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है वह आते तुम इहदाहुन्ना क़िन्तारा फला ताख़ुज़ू मिन्हु शैया, कि और तुम उनमें से किसी को एक ख़जाना दे दो तो फिर तुम उसे वापस न लो। यानी किसी शख्स ने अपने निकाह में बतौर मेहर एक बड़ा ख़जाना भी अगर दे दिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अपनी किताब में ख़जाने का ज़िक्र किया है, आप कैसे एक रकम मुकर्रर कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि इमरातुन असाबत, एक औरत ने सही बात कही है, वरजुलुन अख्ता, और मर्द से ख़ता हो गई है। तो ये थे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के अगर दीनी मामलात में कोई ऐसा ऑर्डर उनकी तरफ से आ रहा है जो अल्लाह ताला की किताब के ख़िलाफ़ है तो एक औरत भी खड़े होकर ये बात कह देती थी कि अल्लाह ताला की किताब की फ़लाँ आयत के ख़िलाफ़ आपकी बात है जो सही नहीं है। ये थी वो साथ दीनी मामलात में, दीनी मसाइल में। एक मर्तबा खुतबा दिया और ये कहा इस मऊब अति लोगों सुनो और इताअत करो। एक सहाबी कहने लगे कि हम न सुनेंगे न इताअत करेंगे। मालूम किया क्यों? कहा यहाँ अभी चंद रोज़ पहले माले गनीमत से मुसलमानों को कपड़ा तकसीम किया गया है, चादरें तकसीम की गई हैं। वो चादर इतनी बड़ी है कि उसमें एक आदमी का कुर्ता नहीं सिल पाएगा। आपने उसी चादर के कपड़े का कुर्ता पहना हुआ है, ये कहाँ से आया है? अल्लाह अकबर। ये है मुहासबा। एक सहाबी अमीरुल मोमिनीन का मुहासबा कर रहे हैं कि आपने जो कुर्ता पहना हुआ है ये कहाँ से आया है, हमारा तो कुर्ता हुआ नहीं जो कपड़ा हमें मिला था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया रुको, और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर को, और उनसे कहा कि तुम हकीकत हाल बयान कर दो। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे भी एक चादर मिली थी और मेरे वालिद अमीरुल मोमिनीन को भी एक चादर मिली थी, मैंने अपनी चादर भी अपने वालिद गिरामी को दे दी और उन दोनों चादरों को मिलाकर ये इनका कुर्ता तैयार हो गया। तब जाकर वो गलतफहमी दूर हुई। तो ये था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत। वाक़ियात तो बहुत सारे हैं और उलमा ने बड़ी ज़खीम किताबें हज़रत उमर की खिलाफत पर लिखी हैं, बल्कि और खुलफ़ा राशिदीन के ऊपर भी। खुतबे के इस मुख्तसर से वक्त में सब चीज़ों को बयान करना मुमकिन नहीं है। मैं अखीर में उनकी वफ़ात का वाक़िया ज़िक्र करता हूँ। नमाज फ़ज्र वो पढ़ा रहे थे, एक मजूसी ग़ुलाम जो मदीने में बढ़ई का काम करता था, लकड़ी और लोहे का काम करता था, नज्जार था, उसने दौरान नमाज़
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खंजर से तीन वार की, शदीद ज़ख्मी हो गए और उसके बाद वो गिर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़कर नमाज पढ़ाई और मुख्तसर नमाज पढ़ाई। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। अगली सफ में जो लोग मौजूद थे उन्हें तो किस्सा मालूम हो गया क्या हुआ, लेकिन जो लोग पीछे थे उन्हें जब आवाज़ की तब्दीली का इल्म हुआ तो उन्होंने सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। बहरहाल नमाज मुकम्मल हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा कि ए अब्दुल्लाह, देखो तो मुझे किसने ज़ख्मी किया है, किसने मुझ पर हमला किया है। वो इधर उधर गए, जाकर देखा तो वो एक मजूसी ग़ुलाम था जो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा का ग़ुलाम था। उन्होंने आकर बताया कि अमीरुल मोमिनीन मुग़ीरा का ग़ुलाम था जिसने अबू लोलो जिसने आप पर हमला किया है, आपको ज़ख्मी कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई बातें बयान की। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने किसी मुसलमान के हाथों मुझे ज़ख्मी नहीं किया, किसी मुसलमान ने किसी इस्लाम के मुद्दई ने मुझ पर कातिलाना हमला नहीं किया। अच्छा, उसी में उसने कई सहाबे कराम पर वार किए, कई सहाबा उसमें शहीद हुए और फिर उसने खुदकुशी कर ली इस डर से कि उसको सज़ा मिलेगी। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा कि ए इब्न अब्बास, तुम और तुम्हारे वालिद अब्बास, अब्बास कौन थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, सगे चचा, तुम ही लोगों का इसरार था कि मदीने में ज़्यादा से ज़्यादा अजीबी ग़ुलामों को रखा जाए। यानी मैं तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के इसरार पर मैंने इजाज़त दे दी कि मदीने में गैर अरब अजमी मुलाजमीन को रख लिया जाए, ग़ुलामों को रख लिया जाए। महाराज हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास ने कहा, आप इजाज़त दें तो जितने अजमी ग़ुलाम मदीने में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, हम उनको एक एक को कत्ल कर दें। कहा, नहीं, ये इंसाफ के खिलाफ है। अल्लाह अकबर, ये है अदल इस्लाम और ये है अमीरुल मोमिनीन का अदल कि किसी कौम के एक फ़र्द ने उन पर कातिलाना हमला किया तो जवाब में सारी कौम को सज़ा नहीं दी जाएगी, सारी कौम से बदला नहीं लिया जाएगा, जो लोग बेगुनाह हैं उनको किस तरह से सज़ा दी जाए। तो ये था इंसाफ। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर में ले जाया गया और खजूर का पानी पिलाया तो वो पेट से बाहर निकल आया, दूध पिलाया गया तो वो भी पेट से बाहर निकल आया। यानी ज़ख्म इतना गहरा था कि कोई खाने पीने का सामान जो भी दिया जाता था नहीं रुकता था। लोगों ने यकीन कर लिया कि अब इनकी वफ़ात यकीनी है, अभी बच नहीं पाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बुलाया और कहा, उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास जाओ और उनसे इजाज़त मांगो कि मैं अपने दोनों साथियों के साथ दफन होना चाहता हूँ। यानी जिस हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर मदफून हैं वो अम्मा आयशा का हुजरा था, मैं भी उसी हुजरे में अपने दोनों साथियों के साथ दफन होने की ख्वाहिश रखता हूँ। अगर अम्मा जान इजाज़त दे दें तो मुझे मेरी वफ़ात के बाद वहीं दफना देना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर गए, अम्मा आयशा से इजाज़त मांगी, हज़रत उमर का सलाम पेश किया और कहा कि मेरे वालिद की ख्वाहिश है। अम्मा आयशा ने इजाज़त दे दी और फरमाया कि वो जगह मैंने अपने लिए रोकी हुई थी, लेकिन अब उमर ने कहा है तो मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ और इजाज़त देती हूँ कि उनकी वफ़ात के बाद उनको उसी हुजरे में दफना दिया जाए। इसी दौरान एक नौजवान आता है, बहुत इबरतनाक वाक़या है ये। एक नौजवान आता है, वो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, आपने पुराने दौर में इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों की और इस्लाम की बड़ी खिदमत की,
आप अमीरुल मोमिनीन बने, आपने खिलाफत का हक अदा कर दिया, इन तमाम उमूर का बड़ा अजर आपको मिलेगा। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा जो कुछ भी है मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं बराबर बराबर छूट जाऊँ, अल्लाहु अकबर, ना गुनाह हो ना अजाब, ना सवाब हो ना गुनाह हो ना अजाब हो, मैं बराबर बराबर छूट जाऊँ। कितना खौफ था आखरत का और अल्लाह ताला के यहाँ मगफरत का। इतने सारे ढेर सारे नेक आमाल के बावजूद और नेकियों का ढेर है उनके पास, बशारतें हैं, मनाकिब हैं, फजाइल हैं, इसके बावजूद कहते हैं कि मैं अगर बराबर छूट जाऊं तो मैं इस पर मुतमईन हूं। उसके बाद वो लड़का वापस जाने लगा, देखा कि उसका इजार, उसका पैजामा या तहबंद तखनों से नीचे है। कहा इसको बुलाओ वापस। फरमाया, यबना अखी, ए मेरे भतीजे, इरफा इजारक, अपना तहबंद ऊपर उठा लो, टखने खोल लो, इससे तुम्हारा कपड़ा ज़्यादा दिन चलेगा और किब्र व गुरूर से भी तुम नजात पाओगे और अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह का तकवा तुम्हें हासिल होगा। तो ये खौफ था उस वक्त भी जबकि वो बिस्तरे मर्ग पर थे और उस वक्त भी दावत का काम कर रहे थे, अच्छी बात का हुक्म दे रहे थे। अगर कोई मुनकर उन्होंने देखा कि एक नौजवान टखने से नीचे उसका पैजामा है तो उसी वक्त उसको नसीहत फरमाई। ये थी ये है जिम्मेदारी का एहसास। अल्लाह ताला उन पर बेशुमार अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उनको आला दर्जात उनको अता फरमाए। और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, वो यकीनन उनको हासिल होंगी। उनके मुखालिफीन कुछ भी कहते रहें वो यकीनन नाकाम होंगे और वो हजरात कामयाब लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हश्र भी उनके साथ फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहू काना गफ्फारा।